भगवान महावीर स्वामी की जय। हम लोग हैं भारतीय जन संगठना का, आज नेत्र शिविर है। अच्छी बात है कि लोगों के साथ में जन सेवा का काम और लोगों के कल्याण के काम भारतीय जन संगठना लगातार करता है। मनोज लुंगल जी अध्यक्ष हमारे साथ में, क्या कहेंगे मनोज भाई? बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम की अनुभूति रही है। निःशुल्क ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और निःशुल्क जाँच कराना, ये अपने आप में एक जैन जो संस्कार मिले उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और भगवान महावीर का स्वामी का जो शुभ संदेश है जियो और जीने दो को चरितार्थ करते हुए ये प्रोग्राम हम हमेशा कराते रहते हैं किसी न किसी तरीके के शिविर से। और ये हमारी भावना हमेशा रहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबकों को उसकी सुविधा मिले, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। आज शिविर जो है मानवेंद्र दत्तरी जी संयोजक है, क्या कहेंगे मानवेंद्र भाई? ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ है, गरीब लोगों के लिए खास करके ये प्रोग्राम किया गया है। भारतीय जैन संगठना और रायपुर जिला दोनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी लोगों को यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करके सेवा देने का कार्य किया है, सभी ने इसकी बहुत बहुत सराहना की है। क्या कहेंगे विजय गंगवाल जी? जय जिनेन्द्र। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, करम से 250 लोगों ने इसका लाभ लिया है और इनकी अपन पूरी आगे ऑपरेशन भी सही ढंग से करना है, इसका पूरा एयर करेंगे। बहुत अच्छी बात है। MGM से आई हैं डॉक्टर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा रामलाले। आज मुझे इस शिविर में अराउंड 270 पेशेंट मैंने देखा है और काफ़ी पेशेंट अलग अलग तरीके से मुझे देखने में मिले हैं और मुझे सेवा करके बहुत ही अच्छा लगा है, ताकि पेशेंट को और भी आँखों की जाँच का बारे में पता चले, आँखों की तकलीफें में जो भी है वो मैं दूर कर सकूँ, यही मेरा एक यहाँ का ये रहा है। लोकेश जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे लोकेश जी? बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है कि आज भारतीय जन संगठना और MGM के माध्यम से हम उन समाज के उन लोगों के लिए एक सेवा का अवसर प्रदान प्राप्त किए हैं और निश्चित रूप से एक दिन उनकी तकलीफों को दूर करने का जो प्रयास है वो मूर्त रूप लेगा। और ये शिविर पूरे प्रदेश में होने वाले हैं, आगामी दिनों में धमतरी, बालोद और महासमुंद की तिथि भी तय हो गई है, इसी प्रकार ये शिविर और आगे अन्य जिलों में भी होंगे। जितेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। भारतीय जैन संगठना सेवा कार्यों के लिए पूरे देश में विख्यात है, उसी का एक प्रतिक्रम है स्वास्थ्य की सेवाओं के अंतर्गत आज ये आई कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें हर एक तबके के लोग लाभ ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है। लुनावत सर हमारे साथ में, क्या कहेंगे लुनावत जी? भारतीय जैन संगठना मानव कल्याण के लिए हमेशा कार्य करने में अग्रणी रहता है और उसी क्रम में भारतीय जैन संगठना चौबे कॉलोनी और प्रदेश की इकाई के द्वारा यह नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 250 से अधिक लोगों को लाभान्वित होने का मौका मिला और इसके लिए हम भारतीय जैन संगठना का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? लवीश जैन। जय जिने। जय जिने। क्या नाम लिखते हैं? नीलेश जैन। तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी टीम लगी हुई है और यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग सब आ गए हैं। रेखा जी हमारे साथ में आई हैं, मनोज पारक जी भी है, तो सभी का बहुत बहुत अनुमोदना और सभी का बहुमान एक तरीके से कि आप सब लोगों ने इस तरीके से भारतीय जन संगठना लगातार काम करता रहता है और इस तरीके से समाज सेवा में निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। और MGM के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके स्टाफ जो आए हुए हैं, उनका भी कि जनता की, लोगों के, गरीब लोगों की सेवा में आप रहते थे। मैं तपेश जैन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।